झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात की जाए तो पिछले हफ्ते में हमने देखा सोने में तो स्टेबिलिटी बनी रही और प्राइसेस ज़्यादा करके हम 51,000 के करीब ही जाते हुए दिखाई दिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 51,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है और मार्केट इसके ऊपर जाने पर ही नई तेजी करेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सिम्टम दिखाई दे रहा है, क्योंकि चांदी में हमने $22 का लेवल तोड़ते हुए दिखाई दिया काफ़ी समय बाद, और डोमेस्टिक मार्केट भी प्राइजेस 62,000 के ऊपर जरूर क्लोज की, बट ये था कि 62,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल और ज़्यादा होता है। बट इन शॉर्ट अगर हम बोल सकते हैं कि फेड मिनट्स के चलते जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी इंटरेस्ट रेट को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी ओर हमने देखा इन्फ्लेशन अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने सभी जगह पे एक हॉकी स्टोन ही रखा है। डिस्पाइट ये हॉकी स्टोन के बावजूद हमने देखा कि कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट कंटिन्यू रही, जो 101.50 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड्स में भी गिरावट थी, जिसके चलते सोने और चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई का जो सिनेरियो बताया जा रहा है कि जून जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, बट हाँ अगस्त के बाद नहीं बढ़ेगी, जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर काफ़ी स्टेबल रहे हैं। खासकर गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड 1850 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वीकली बेस पे 1850 का लेवल होल्ड करना काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। चांदी भी $22 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दी। अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि दायरा 50,600 से लेकर 51,200 का लेवल तोड़ने पे 51,850 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी की बात करें तो वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, जो 61,000 से 62,500 का लेवल तोड़ने पे 64,000 तक का लेवल दिखा देगी, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाएगी। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड में हमने 3.25% की तेजी बनते हुए देखी, जबकि नेचुरल गैस में डिस्पाइट शुक्रवार को हमने बड़े लॉसेस देखे, बट प्राइसेस ने 6% की तेजी के साथ वीकली क्लोज दिया। एनर्जी मार्केट में भी अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बना हुआ है, और साथ में यूरोप मार्केट सेंक्शंस और लगा सकता है या कड़े कर सकता है रशिया की ओर, जिसके चलते हमने नेचुरल गैस और क्रूड में तेजी देखी है। नो डाउट यूएस में हॉलीडे के चलते उम्मीद बताई जा रही है 7% जंप रहेगा, जो ट्रैवलिंग डिमांड को एंटिसिपेट करता है, जिसके चलते भी क्रूड में तेजी रही और लगभग हमने $119 ब्रेंट टेस्ट करते हुए दिखाई दिया। टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए कि हायर लेवल्स पे प्राइसेस पे प्रेशर फिर से बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो वेदर के चलते भी डिमांड थोड़ी इस वक्त लो है, जिसके चलते शुक्रवार के सेशन में हमने जबरदस्त प्राइसेस में गिरावट देखी है, बट कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है जो ये कंसर्न्स बना हुआ है ये प्राइसेस को $10 का लेवल भी ले जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, जब तक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, यूरोप नेशंस का अपडेट प्रॉपर नहीं आता है, तो ये पॉसिबल है कि हम $10 तक का भी लेवल नेचुरल गैस में बनते हुए देखें। ये हफ्ते में हमने $9 देखा है, तो अगले हफ्ते के लिए नेचुरल गैस में थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाइए। कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर 600-620 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो प्राइजेस 8500 से 9500 का एक ब्रॉड रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा। साथ में चाइना में हमने देखा लॉकडाउन हट चुका है, एनर्जी डिमांड को वो बूस्ट करता हुआ दिखेगा। अंत में अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल का परफॉर्मेंस काफ़ी सुस्त रहा है, डिस्पाइट हमने देखा कि 1 तारीख से चाइना मार्केट ओपन हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो बेस मेटल को भी पसंद आएगी। लेकिन जो डेटा पॉइंट है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की डेटा देखें, सर्विस PMI के आंकड़ा देखें, रिटेल सेल्स के आंकड़े देखें, ये पूरे ग्लोबल में कहीं ना कहीं दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF के बाद काफ़ी बड़ी एजेंसीज ने फिर से 2022 की जो ग्रोथ है उसमें डिटोरेशन ही बताया है,
जिसके चलते भी बेस मेटल पे कहीं ना कहीं दबाव है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते बेस मेटल को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, साथ में लोअर इन्वेंट्री और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से भी सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं अभी भी कंजम्पशंस को लेकर कंसर्न्स बने हुए जिसकी वजह से अपसाइड भी थोड़ा सा कैप है। बट फिर भी अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉपर 770 का लेवल होल्ड होने पे हम 790 तक के जंप देख पाएंगे। जिंक 320 के ऊपर काउंटर काफ़ी स्ट्रांग है और ऑलरेडी हमने 3.5% की तेजी देखी है, बट अगर 320 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करता तो 336 से 340 तक के भी लेवल हम जिंक में आते हुए देख पाएंगे। लेड 188 की रेंज में ही मूव करेगा। ड्रॉप टूवर्ड्स 183 इज गुड टू बाय। एंड लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो जहाँ पे हमने 3% की गिरावट देखी है क्योंकि जो प्रोडक्शंस है वो अब रिज्यूम होने लग गए हैं जिसके चलते ये दबाव बना जरूर है, लेकिन 240 का लेवल होल्ड करने पे हमें लगता है एक बाउंस देखने मिल जाएगा अगले हफ्ते, जो 246 से 248 तक का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल बेस मेटल के अंदर अगेन बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।